हेलो राइडर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइकर्स शॉट और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं वो है एमटी हमर का पैडिंग, कौन कौन से साइजेस में है और पैडिंग कैसे आपको चेंज करना है एमटी हमर हेलमेट में। एज यू ऑल नो कि वी आर द ऑथोराइज डीलर ऑफ एमटी हेलमेट्स इन थाने, तो हमारे पास आपको पैडिंग, वाइजर, लॉक मैकेनिज्म सब कुछ मिल जाएगा एमटी हेलमेट्स का। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमर है उसका पैडिंग देखने वाले कि ये एक्सचेंज कैसे करना है और कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल साइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्मॉल साइज है। ये आपको सेट ऑफ थ्री में देखने मिल जाएगा, एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सेट ऑफ थ्री मतलब एक आपका अपर वाला पोर्शन का रहेगा एंड दो साइड के चिक पैड्स रहेंगे, ये आपको देखने मिल जाएगा। देन मीडियम में भी देखने मिल जाएगा, लार्ज में भी देखने मिल जाएगा, ये वाला मीडियम है। देन यहाँ पे लार्ज भी अवेलेबल है एंड एक्सेल में भी देखने मिल जाएगा। तो ये चारों साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कुछ, आपके पास हमर हेलमेट रहेगा और आपको पैडिंग आपका ओल्ड हो गया रहेगा, न्यू पैडिंग चाहिए, हमें जस्ट व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले कि कोई भी एमटी हमर के हेलमेट में आपको पैडिंग कैसे चेंज करना है वो। तो गाइस ये है हमर हेलमेट, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी इसी का ही हम लोग पहले पैडिंग रिमूव करने वाले और फिर वापस कैसे वो पैडिंग लगाना है वो देखने वाले। इसमें ऑलरेडी लार्ज साइज का पैडिंग लगाया हुआ है तो पहले वो रिमूव कर लेंगे। और ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स है, उनको पता नहीं रहता है पैडिंग कैसे रिमूव करना है क्या, तो वो लोग डर जाते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, इसलिए उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कपड़ा ले लीजिए, कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कुछ वो नीचे रख दीजिए, सो दैट आपके हेलमेट को कुछ इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ से वाइजर ओपन कर लीजिए, हेलमेट को ऐसे रख देना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो अपर वाला पोर्शन है वो पहले कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाइजर वाले पोर्शन के इधर से थोड़ा हाथ डाल दीजिए आपका, एक जैसे मैंने अभी डाला है वो। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, ये ईपीएस चेन नहीं, इसके यहाँ पे ये पैडिंग का अटैचमेंट है। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ऐसा गैप क्रिएट करना है, ऑलरेडी यहाँ पे एक गैप रहेगा, बस उधर उंगली डाल दीजिए और ऐसे खींच लीजिए, सो दैट ये बटन में से ये निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक्स रहते हैं यहाँ पे इसके, सेम हम लोग को इधर भी करना है, यहाँ पे एक रहेगा और यहाँ पे एक लॉक रहेगा ये ऐसे। तो ये अभी आपने लॉक निकाल लिया, अभी सेकेंड जो स्टेप है वो है यहाँ पे। तो यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पहले एक कोई भी एक साइड से राइट या लेफ्ट से सिर्फ ऐसा खींचना चालू कर दीजिए आराम आराम से। ये अंदर रहता है इसके, ये रबर कोटिंग रहता है उसके अंदर रहता है ये, तो आराम से खींचना, नहीं तो ये लॉक टूटने का चांसेस है। तो ऐसे खींच के ऐसे आपको निकाल के लेना है इस पैडिंग को। तो गाइस जैसे अभी हम लोगों ने ये अपर वाला पोर्शन का पैडिंग निकाल लिया, वैसे अभी स्टेप टू देखेंगे, आइदर राइट या लेफ्ट कोई भी एक चिक पैड को आपको निकाल लेना है। इसके लिए अभी क्या करना है, पहले हेलमेट सीधा कर लीजिए ऐसा, फिर यहाँ से नीचे वाले साइड से हाथ डाल के यहाँ पे अभी सेम जैसे अपर साइड के यहाँ पे बटन्स थे वो, वैसे यहाँ पे भी बटन्स रहेंगे। तो पहले मेरे को ये वाला बटन ओपन करके लेना है, ये दोनों निकल जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक से इसके अंदर। तो सिर्फ आपको ऐसे खींच लेना है, ये होने के बाद ना और एक इधर अंदर वाले साइड रहेगा यहाँ पे, आई होप कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पे भी एक लॉक रहेगा, उसको भी ऐसे खींच लेना है, आराम से खींचना। ये अभी मैंने लॉक खींच लिया, तो टोटल तीन लॉक्स है इसमें, यहाँ पे दो और एक अंदर वाले साइड, मतलब यहाँ पे ये वाले साइड पे एक। तो ये तीन लॉक्स रहेंगे, ये तीन लॉक पहले निकाल के लेने, उसके बाद हम लोग को आराम से एकदम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना है। ये रबर वाले जो इन्होंने ये रबर लगाया इसमें से आपको आराम आराम से निकाल लेना है, ज़्यादा पुश मतलब खींचने का ट्राई मत करना, आराम आराम से निकालना, यहाँ से स्टार्ट करना तो ईजिली निकल जाएगा, बहुत ईजी है ये निकालना। तो ये अभी मैंने निकाल लिया पूरा, सेम ये साइड भी हम लोग को करना है। वापस देखते हैं स्टेप वन, नीचे वाले साइड से हाथ डाल लिया और ये दो लॉक्स पहले ओपन कर लिए, और फिर यहाँ पे जो अंदर वाला है ये वाला यहाँ का ये लॉक ओपन कर लिया, और फिर आराम से इसको बाहर निकाल लेने, खींच लीजिएगा निकल जाएगा वो, आराम से निकालना। ये मेन है क्योंकि अगर आप खींचोगे यहाँ पे आप स्टिचिंग देख सकते हो, इस पर दिखा देता हूँ आपको, ये स्टिचिंग फटने का चांस रहता है, तो इसलिए आराम से इसको ये कर लेना, ज़्यादा ताकत लगाने का ट्राई मत करना, एकदम आराम से हल्के हाथों से करना, और फिर ये जो आपका लॉक मैकेनिज्म रहता है उससे इसको निकाल लेना है ऐसे। अभी हम लोगों ने जैसे पूरा पैडिंग निकाल लिया है,
ये आपका अपर का हो गया और ये दो साइड के चिक पैड्स। अभी हम लोग देखेंगे इसको वापस कैसे लगाना है वो। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। पहले हम लोग अपर वाला पैडिंग लगा के ले लेंगे। अपर वाले पैडिंग को ये वाला जो आपका लॉक वाले पोर्शन है, ये वाले ना कि बटन वाले, ये लॉक वाले पोर्शन से ये फ्रंट साइड में जाएंगे, मतलब वाइजर वाले साइड पे, ये साइड पे, और ये जो बटन्स वाले पोर्शन है ये पीछे वाले साइड जाएंगे हेलमेट के। तो वापस हम लोग को डायरेक्टली इसको सिर्फ ऐसे अंदर डाल लेना है प्रॉपरली, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ वो ऐसे अंदर डाल लीजिएगा। और ये जो आपके क्विक रिलीज लॉक में लॉक सिस्टम से, इसको बाहर निकाल लीजिएगा, ऐसे बाहर ही रखिएगा, नहीं तो फिर वो उसके साथ फंस जाएंगे। अभी मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ और फिर इसको अंदर डाल लेता हूँ। और अंदर डालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लॉक्स को एडजस्ट करके लेना है प्रॉपरली। इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए थोड़ा, वाइजर के वाइजर वाले पोर्शन के बाहर, और फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है सो दैट ये अंदर लॉक हो जाएगा। और ये रबर, ये जो रबर का ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर ही जाना चाहिए ये प्रॉपरली। तो कोई भी एक साइड से करते हुए आना, जैसे मैंने ये साइड से अभी स्टार्ट किया है, तो ये साइड से ऐसे सिर्फ अंदर आपको ऐसे डाल देना है उसको। फिर एडजस्ट कर लेना है, तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे आपको पुश करना पड़ेगा उसको, सो दैट वो रबर के गैपिंग के अंदर चला जाए। सो दैट्स इट, अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपरली रबर गैपिंग के अंदर चला गया है। उसके बाद हम लोग को ये बटन्स लगा के लेने हैं यहाँ पे। तो ये बटन्स लगाने के लिए आपको सीधा सिर्फ ये मैच कर लेना है लॉक के साथ, और उसे प्रेस कर देना है। सेम यहाँ पे भी मैच कर लीजिएगा और प्रेस कर देना कुछ ऐसे। तो ये अभी अपर का पूरा हम लोग का लग चुका है पैडिंग, आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग साइड के चिक पैड्स लगा के ले लेंगे। तो साइड के चिक पैड्स पे आपको ये बटन्स का देखना है कहाँ कहाँ पे, ये लॉक्स, सॉरी ये लॉक्स का देखना है कहाँ कहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो लॉक्स देखने मिल जा रहे हैं अंदर वाले साइड, मतलब ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे, ये दो लॉक्स ये यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पे एक सिंगल लॉक। तो उस हिसाब से ही आपको देखना है और एडजस्ट करके फिर इसको डालना है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो दो लॉक्स है ये यहाँ पे परफेक्टली मैच हो रहे हैं इसके साथ ऐसे। तो हम लोग को पहले ये लगा के लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ये जो गैप दिख रहा है इसमें से निकाल लीजिएगा ऐसे। तो ये अभी हम लोगों ने निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, ये जो रबर गैपिंग है इसके अंदर आपके पैडिंग को डाल देना है पूरे प्रॉपरली, एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एग्जैक्टली इसके अंदर ही जाना चाहिए, अभी जैसे मैंने डाला है पूरा, ये पूरा अंदर चला गया। इसके बाद हम लोग को जो ये सिंगल लॉक था यहाँ पे, उसको लगा के लेना है, जो अंदर वाले साइड रहता है वो आपको उसके लॉक के साथ मैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा हसल है बट वो मैच हो जाएगा एक बार, तो टेंशन नहीं। अभी ये मैच हो गया, फिर ऊपर वाले दो लॉक्स को मैच कर लेना है। और अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपका पैडिंग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसको आपको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, प्रॉपरली मैच नहीं होता होगा तो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि एक लॉक मैच नहीं हो रहा है इसलिए पैडिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो ये अभी लग गया साइड का चेक पैड, आप देख सकते हो ये पूरा अंदर चला गया इसके रबर के, और यहाँ पे सभी लॉक्स लग चुके हैं। सेम हम लोग को दूसरे साइड का भी करना है यही प्रोसेस। सो स्टेप वन है, आपको इसमें से इसको निकाल के लेना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ। सो स्टेप वन जो है, आपको ये लॉक को इस गैप में से निकाल लेना है पैडिंग के ऐसे। सो ये निकाल लिया, फिर इसके बाद हमें ये जो इसके प्लास्टिक वाले पोर्शन है इसको इस रबर के अंदर डाल लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ताकत लगाना पड़ेगा इसको रबर के अंदर एडजस्ट करने के लिए, फिर इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा वो। और फिर एडजस्ट होने के बाद अंदर वाले तीन लॉक्स को लगा लेना है।
सो दैट्स इट गाइस, आप देख सकते हो सिर्फ आपको अंदर वाले साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लेना है, ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको यहाँ पे अपर वाले पैडिंग के अंदर डाल लेना, सेम यहाँ पे भी आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स्ट्रा स्टिचिंग का ये अपर वाले पैडिंग के यहाँ पे अंदर डाल लेना, सो दैट वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा। सो दैट्स इट, अभी आप देख सकते हो पूरे हम लोगों ने तीनों भी पैडिंग्स लगा लिए हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे और ये प्रॉपरली लग जाएंगे। सो या तो अभी हम लोग देखेंगे हमर जो सीरीज का पैडिंग्स है उसका कॉस्ट क्या है, लाइनर्स का कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1750 का लाइनर्स आएगा, सेट ऑफ 3 आएगा, मतलब अपर का एक और साइड के 2 चिक पैड्स, ये दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको साइज रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन रहेगा, साइज नहीं पता चल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके पैडिंग को आइदर चिक पैड कोई भी रहेगा उसको ऐसे ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे टैग रहेगा साइज का, जैसे कि यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी अगर वो टैग नहीं रहेगा तो आप लोग आपको सिंपली क्या करना है, आपके जो अपर पैडिंग्स है उस पर भी एक टैग लिखा रहता है, जैसे कि इस पे है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाले साइड पे ये एल साइज लिखा है 5960 सेंटीमीटर, तो बस आपको ये देख लेना है, इससे आपको साइज पता चल जाएगा कौन सा साइज है वो। तो आपको जो भी साइज चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको बता देंगे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो, या फिर आप स्टोर विजिट भी कर सकते हो, स्टोर पे आओगे तो हम लोग ही आपको चेंज करके दे देंगे। सो दैट्स इट गाइस, जितना हम लोगों ने इजी वे में समझा सकते थे उतना इजी वे में आपको समझा दिया है, इसके अलावा भी कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास हमर हेलमेट रहेगा, वो पैडिंग के लिए देख रहे हैं, उनका पैडिंग ओल्ड हो गया है बट हेलमेट का शेल और सब अच्छा है, तो उनके साथ ये वीडियो रेकमेंड कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हमारे पास पैडिंग अवेलेबल है, वो हमारे से परचेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, #gearupyourride।